अमेरिका में एक शख्स फ्लाइट में लेडीज अंडरवेयर चेहरे पर पहनकर यात्रा कर रहा था। स्टाफ के मना करने के बाद भी वो शख्स नहीं माना। ऐसे में पैसेंजर के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे फ्लाइट से निकाल दिया गया। साथ ही शख्स के आगे से उस फ्लाइट में सफर करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला। फ्लोरिडा का एडम जेन वॉशिंगटन जाने के लिए यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान में सवार हुआ था, लेकिन कोविड नियमों के मुताबिक उसने मास्क नहीं पहन रखा था। बजाय इसके उसने अपने चेहरे पर लाल रंग की लेडीज अंडरवेयर पहन रखी थी। विरोध जताने के लिए उसने लाल रंग चुना था। फ्लाइट के स्टाफ ने जब उसे ऐसा करने से रोका तो एडम जेन बहस करने लगा और मास्क पहनने से इनकार कर दिया। स्टाफ के लोगों ने उसे कोरोना संकट के बारे में बताया तो उसने इसका मजाक बनाते हुए कहा कि ये सब बकवास है। एडम जेन ने एक आउटलेट को बताया कि बुधवार को फोर्ट लॉडरेड एयरपोर्ट से उसे वॉशिंगटन DC जाना था, लेकिन एयरलाइंस ने उसे पहले ही विमान से उतार दिया। इस दौरान एडम ने इस बात को भी स्वीकार किया कि वो पहले भी ऐसा कर चुका है, यानी कि उसने मास्क की जगह लेडीज अंडरगारमेंट्स का उपयोग किया था। उधर यूनाइटेड एयरलाइंस के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा है कि विमान के उड़ान भरने से पहले एडम जैन को उतारने की हम सराहना करते हैं। स्टाफ कोरोना और मास्क को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करवा रहा था। बता दें कि अमेरिका में कोरोना संकट काल में फ्लाइट के अंदर मास्क अनिवार्य है। हालांकि कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां लोग इस नियम को तोड़ते नजर आए हैं। कई बार तो नौबत मारपीट तक आ गई है।